नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया, आयु सेल में बम्पर वैकेंसीज निकली हुई है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, प्लस टू वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, एज ए ट्रेनिंग की वैकेंसीज है दोस्तों अप्रेंटिस के तौर पर, जिसकी हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या स्टैंडर्ड फॉलो करता है आयुसीएल, किस मतलब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सारी बातें हम करने वाले हैं। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और आप घर बैठे फॉर्म को फिल कर सकते हैं अंडर लॉकडाउन, बिना किसी साइबर कैफे पे जाए। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल कैंपेन में बने रहने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर। सर्च करना है हमने गूगल में सरकारी रिजल्ट, एंड सरकारी रिजल्ट की मेन साइट मैंने ऑलरेडी खोल रखी है, आपको सरकारी रिजल्ट की मेन साइट पर आ जाना है। देन जाकर आपको लेटेस्ट जॉब में सर्च करना है आयुसीएल, आयुसीएल अप्रेंटिस, जैसे कि आपको एंट्रेंस दिख रहा होगा आयुसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020, तो ये अभी खुल रहा है, खुल जाता है 3 जून को दोस्तों। ये पोस्ट हुई थी, डेट पोस्ट डेट दिखा रहा है इसकी। और जैसे कि इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई फी नहीं है, आपको घर आप घर बैठे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 जून इसकी जो है लास्ट डेट थी, अभी लास्ट डेट है 18 जून, ठीक है। इसकी टोटल जो पोस्टेज हैं जनरल की अप्रेंटिस की 164 है, ओबीसी की 82 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है, एससी की 64 है, एसटी की 38 है, टोटल जो पोस्ट है वो 404 है, जिसमें बिहार रीजन में इतनी ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए 18 है और ये डिप्लोमा वालों के लिए 29 है, और ये ट्रेड अप्रेंटिस जो अदर प्लस टू वाले हो गए या बैचलर डिग्री वाले हो गए, इनके लिए अलग अलग दी गई। अलग अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो वैकेंसीज दी गई हैं उन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या आईओसीएल प्रोसेस फॉलो कराता है, क्या इसका सिक्वेंस होता है, एग्जाम कंडक्ट कराने का क्या सिलेबस होता है और सिलेबस कैसा होता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, इन सब बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है डिटेल डाउनलोड नोटिफिकेशन पर, ठीक है। डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है तो मैं वही खोल लेता हूँ, क्योंकि टाइम लेता है, थोड़ा 20 से 30 सेकेंड लेता है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन का, तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इस पर। जैसे कि इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा यूसीएल का, तो ये इसका है इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। हिंदी में भी ये नीचे स्क्रॉल कर लेना थोड़ा दोस्तों, ये आ जाता है हिंदी वर्जन, ठीक है। हिंदी वर्जन में आपको देखना है ये वेस्ट बंगाल राज्य, सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है आपको किस रीजन में फॉर्म भरना है, और जिस रीजन में आपको फॉर्म भरना है उसमें सबसे पहले ये देख लेना आपकी जो ट्रेड है या ट्रेड्स में कितनी वैकेंसीज है, जो वैकेंसीज ट्रेड के अकॉर्डिंग है ट्रेड में, और आपकी जो कैटेगरी कौन सी है, आपकी कैटेगरी की जो वैकेंसीज है कितनी टोटल पोस्टें हैं किस रीजन में, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है, सबसे पहले आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। जैसे पश्चिम बंगाल है, उसमें ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट के लिए टोटल जो है ड्यूरिंग जो है अप्रेंटिस का जो एक टाइम पीरियड है वो 12 महीने का होता है, ठीक है। जो टोटल पोस्ट है इसमें वो 71 है, जिसमें जनरल की 28 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, एससी की 16 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 16 है। तो इस तरह से टोटल आईटीआई वालों की 71 पोस्टें हैं। ऐसी पश्चिम बंगाल रीजन के अंदर ही डिप्लोमा वालों के लिए, जो कि 3 साल का डिप्लोमा वाले होते हैं, उनके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और सिविल वगैरह के लिए ये टोटल जो है 90 पोस्टें हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड की हुई है, ठीक है। इसी के हिसाब से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और ये ग्रेजुएशन वाले उनके लिए अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हमने किस रीजन में फॉर्म भरना है, किस रीजन में फॉर्म भरना है और उसमें हमारी कैटेगरी कितनी पोस्ट है, सबसे पहले तो ये स्टेप में ये चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसका मैं आपको बता देता हूँ, जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 24 वर्ष तक का है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और मेन चीज उसके बाद क्या दोस्तों ध्यान रखना है, हमने फॉर्म को भरते समय इस चीज को ध्यान रखना है,
और कोई भी जो फॉर्म बनना है बड़े सोच समझ के बनना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। गलती हो जाती है तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, ठीक है। और उसके ये चयन प्रक्रिया का दोस्तों प्रोसेस होता है, आपका ये कंप्लीट अगर हो जाता है प्रोसेस फॉर्म फिल करने का, तो उसके बाद क्या होता है, एक डेट आती है जो एग्जाम की डेट होती है, ठीक है। एग्जाम दोस्तों इसका 90 मिनट का होता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस वाले। जैसे इसमें दिया गया है अकाउंटेंट के लिए इसमें 30 अंक का सामान्य योग्यता, साथ में मात्रात्मक योग्यता होती है, तर्क क्षमता रीजनिंग 30 नंबर की होती है, मूल अंग्रेजी भाषा कौशल 40 नंबर की होती है। तो ये ट्रेड अप्रेंटिस, तो आज हम बात करने वाले अप्रेंटिस फिटर इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के लिए, स्पेशली आईटीआई के लिए स्पेशली बात करने वाले हैं, जिसमें जो 40 नंबर का जो इनका एग्जाम में आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आता है इनकी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। बाकी 20 नंबर का आता है सामान्य योग्यता मतलब जीके जीएस से, 20 नंबर आता है तर्क क्षमता मतलब रीजनिंग से, 20 नंबर एक लैंग्वेज बेस होता है। तो इस तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, जो कि 90 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरिट लगती है दोस्तों, मेरिट में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप है इसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम लेता है, मतलब 10 से 15 दिन का टाइम होता है। उसके बाद आपका एक मेडिकल कराया जाता है, अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका ऑफर ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सारी कुछ आपकी बातें लिखी होती है, नोट होती है कि आपका कितनी छुट्टी मिलेगी पूरे साल में, कितना आपको एचआरए मिलेगा अप्रेंटिस के दौरान, और क्या क्या आपकी उसमें बीमा कवरेज होंगी, ये सब आपको फैसिलिटीज क्या क्या आईओसीएल प्रोवाइड कराता है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और सबसे पहले जो भी है, और आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करनी है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरे द्वारा एक टेक्निकल कैंपेन नाम से यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आपको जिसमें ये वीडियो अपलोड की है मैंने, तो आपको देख लेना है। उसमें डे बाय डे स्किल बूस्टर प्रोग्राम एक इनिशिएटिव के तौर पे, एक पहल के तौर पे स्टार्ट किया गया है मेरे द्वारा, जो कि काफी यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है फॉर आईटीआई ट्रेनिंग के लिए। तो आई होप आप एक बार उसको वॉच करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।